नीमच जिले के जावी में जावी सरवनिया महाराज मार्ग पर 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गुजरखेड़ा धाम पर दो दिवसीय महोत्सव अंतर्गत प्रथम दिवस विशाल कलश यात्रा श्री गुजरखेड़ा सरकार सगस बावजी व शिव स्वरूप नाथों के नाथ अघोरी नाथ का सहस्त्र धारा अभिषेक एवं हवन संपन्न हुआ। कलश यात्रा प्रातः 9:30 बजे कमल सरोवर के तट पर स्थित श्री नागेश्वर खाकरदेव महाराज मंदिर परिसर जावी में डीजे के भक्तिमय भजनों के धुन के साथ निकली। विशाल कलश यात्रा श्री नागेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई श्री गुजरखेड़ा धाम पर पहुंची। पूरे मार्ग में माताएं बहनें थिरकती हुई नजर आईं। कलश यात्रा में इमली चौक से श्री गुजरखेड़ा सरकार व नाथों के नाथ अघोरी नाथ का विमान भी सम्मिलित हुआ। कलश यात्रा के समापन के साथ मंदिर पर मुख्य पंडित घनश्याम त्रिवेदी पाल चोड़ा के मार्गदर्शन में सहस्त्र धारा अभिषेक जागृति हवन किया गया। आप देख रहे हैं दिलीप पाटीदार की यह विशेष रिपोर्ट। ओम हरि ओम चलो छोटा श्री कालनाथाय नमः। ओम श्री नाथ कालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री काल कालाय नमः। ओम श्री काल कालेश्वराय नमः। ओम श्री अगर कालाय। इसलिए आप शुद्धता को धारण करने के लिए या हेमाद्रि स्नान के लिए संधान करना, प्राणों को शुद्ध करना, प्राणों को सात्विक बनाना और 10 प्रकार की योग्यता प्राप्त करने के लिए 10 विध स्नान करवाया जाता है। जिन महानुभावों ने स्वेटर वगैरह पहन रखा जर्सी, वो जर्सी खोल दीजिए। आयोजन है इसके बारे में बताएं। आज का ये आयोजन श्री गुजरखेड़ा सरकार और नाथों के नाथ की स्थापना महोत्सव के निमित्त दिन भर यहाँ पर सुबह कलश यात्रा और फिर सहस्त्र अभिषेक हुए हैं और भगवान को अन्न में वास कराया गया है
और अब रात्रि में हवन होंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इन देवताओं की स्थापना की जाएगी। आपका शुभ नाम? पंडित घनश्याम त्रिवेदी शास्त्री। आज का जो आयोजन है इसके बारे में जानकारी बताएं। आज का जो आयोजन है ये दो प्रतिमा जो गुजरखेड़ा सरकार के नाम से है और एक अघोरी बाबू जी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। 400 वर्ष लगभग ये पुराना मंदिर है, पर यात्रियों के आवागमन में दिक्कत हो रही है और नज़दीक में रोड होने की वजह से यात्रियों पे संकट गहराया रहता है। वैसे तो बाबू जी का चमत्कार है, पिछले 23 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी भक्तों की और ग्रामीणों की और भाषा की खुद की इच्छा अनुसार आज ये आयोजन दोनों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर होने के निमित्त किया जा रहा है और सबका अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और भाषा की अनुमति से और सब यात्रियों के सहयोग से ये आयोजन पूर्ण हो रहा है। और आज का जो आयोजन है ये मुख्य तो मूर्ति स्थापना का आयोजन है गुजरखेड़ा सरकार और अघोरीनाथ का। आपका शुभ नाम? घनश्याम लोहार।